बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर टू में हमें कहा है कि फाइंड द एचसीएफ और मेथड है डिवीजन, यानी डिवीजन मेथड से हमने एचसीएफ फाइंड करना है। पार्ट वन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो इसका एचसीएफ हम फाइंड करेंगे। तो डिवीजन मेथड को आप समझ लें यहाँ से। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशंस गिवन होती हैं, जो पॉलिनोमियल्स गिवन होती हैं, उन्हें देखते हैं। उनमें से जिसकी डिग्री ज़्यादा हो उसे हम डिवाइडेंट लेते हैं, उसे हम अंदर लिखते हैं जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी। अब चूंकि यहाँ पर दोनों की डिग्री सेम है तो कोई भी हम अंदर लिख सकते हैं। जब हम एक वैल्यू अंदर लिखते हैं तो दूसरी हम डिवाइजर लेते हैं यानी बाहर लिखते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो डिवाइजर यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब ये डिवीजन आम जो यूजुअल डिवीजन होती है उससे थोड़ी डिफरेंट होगी। उसमें हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, एक रिमाइंडर आता है और एक क्वोशेंट आता है। यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा, अगर उसकी डिग्री यहाँ पर डिवाइजर से कम हुई तो वो हमारे पास नेक्स्ट डिवाइजर वो बन जाएगा, और जो डिवाइजर है वो हमारे पास डिवाइडेड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे तब तक जब तक हमारे पास रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो है। जब रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो लास्ट डिवाइज़र हमारा एच सी एफ कहलाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ से हमें मिला माइनस सिक्स और प्लस थ्री। अब चूंकि हमारे पास रिमाइंडर की डिग्री कम है तो हम इसे डिवाइजर बनाएंगे और पुराना डिवाइजर हमारा नया डिवाइडेंट बनेगा। यानी अब हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। उससे पहले अगर हम इसमें से कामन निकालना चाहें तो हम कामन निकालते होते हैं। कामन निकालना हमेशा आपने कामन निकालना है। तो यहाँ माइनस वन कामन निकाला तो यहाँ पर हमें मिला एक्स माइनस थ्री। तो कोई कोफिशेंट कामन हो या साइन कामन हो तो आपने बाहर निकालना है। अब एक्स माइनस थ्री है, इस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री एक्स। अब माइनस करते हैं तो साइन चेंज, ये कैंसिल। तो यहाँ से हमें मिला प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। अब देखें हमारे पास जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री बराबर है डिवाइज़र के, तो हम इसी डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे। तो इसे हम प्लस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू एक्स मिलता है। तो प्लस टू लिखा तो टू एक्स हुआ और माइनस सिक्स। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हुए, ये कैंसिल ज़ीरो। तो लास्ट डिवाइजर हमारे पास था एक्स माइनस थ्री। तो एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। इस तरीके से हमने डिवीजन की मदद से एच सी एफ फाइंड किया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, पार्ट थ्री में सॉल्व करता हूँ। तो पार्ट थ्री में हमारे पास गिवन है 2x 5 माइनस 4x 4 माइनस 6x एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास है x 5 x 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये डिवीजन हमारे पास जो यूजुअल डिवीजन होती है उससे डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखें दोनों की हमारे पास डिग्री सेम है तो कोई भी हम डिवाइडेंट ले सकते हैं। अगर हम इससे डिवाइजर लेते हैं तो इसमें से टू कामन निकालेंगे हम। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 2x 5 माइनस 4x 4 माइनस 6x। तो बाहर हमारे पास आ जाएगा x 5 प्लस x 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2x 5 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 2x 5 प्लस 2x 4 और x क्यूब है तो यहाँ पर x क्यूब नहीं है, हम इसे आगे लिखेंगे
तो हमें मिला -6x³ - 6x² तो माइनस करते हैं तो साइन चेंज हुए, यहां से हमें मिला -6x⁴ + 6x³ + 6x² - 6x। अब चूंकि रिमाइंडर की डिग्री कम हो गई है तो इसे हम डिवाइजर बनाएंगे और पुराना डिवाइजर हमारे पास डिवाइडेड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁵ - +x⁴ - 3x³ - 3x²। अब यहाँ पर देखें कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं, हमारे पास -6 हम कॉमन ले सकते हैं, तो -6 कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास जो बचा वो है x⁴ - x³ - x² + x। अब हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁵ मिलेगा, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिला x⁵ - x⁴ - x³ + x² तो माइनस करते हैं तो साइन चेंज हुए, ये कैंसल, यहाँ से हमें मिला 2x⁴ - 2x³ - 4x²। अब भी हमारे पास देखें तो रिमाइंडर की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री सेम है, तो मज़ीद इसी से डिवाइड करते हैं, तो अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x⁴ मिलेगा, तो +2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला +2x⁴ - 2x³ - 2x² और प्लस हमें मिला 2x। साइन चेंज करते हैं तो ये कैंसिल और इसके साथ ये भी हमारे पास कैंसिल, तो बाकी बचा हमारे पास -2x² और -2x। अब हमारे पास जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री कम हो गई है तो रिमाइंडर को हम डिवाइजर बनाते हैं, हमारे पास नया डिवाइडेंड होगा x⁴ - x³ - x² + x। तो अब हम देखते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर में -2 कॉमन है, तो -2 कॉमन निकाला तो हमें मिला x² + x। अब हम इसे x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ मिलेगा, तो x² से मल्टीप्लाई किया तो x⁴ + x³। माइनस करते हैं तो -2x³ - 2x³ - x² + x मिला। अब हम इसे -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x³ मिलेगा, तो -2x से मल्टीप्लाई किया तो -2x³ मिला और -2x² तो हमारे पास साइन चेंज किए, तो ये कैंसिल और यहाँ पर हमें मिला x² + x। अब x² + x है तो अब भी हमारे पास रिमाइंडर की डिग्री बराबर है तो इससे मज़ीद डिवीज़न हो सकती है, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x² + x। तो साइन चेंज किए कैंसिल हो गया तो हमें 0 मिला, तो लास्ट डिवाइज़र हमारे पास था वो HCF बन गया, तो HCF = है x² + x, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं तो x+1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड HCF है। इस तरीके से हमने डिवीजन की मदद से HCF फाइंड किया, तो इस क्वेश्चन के बाकी दो पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो पार्ट 1 है x+y और x² - y², ये दो वैल्यूज हैं इनका LCM फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, सिंस जैसा कि आप जानते हैं कि LCM = होता है कॉमन फैक्टर्स यानी कि HCF,
कॉमन फैक्टर्स HCF होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास एक HCF होता है, दूसरा नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम दोनों को फैक्टर्स में लिखते हैं, फिर इनका कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मिल जाएगा। तो पहले फैक्टर्स में लिखते हैं, तो हेयर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है, चूंकि हमारे पास है x प्लस वाई, तो इसको हम फैक्टर्स में मज़ीद नहीं लिख सकते, यही इसके फैक्टर है। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है, उसे हम फैक्टर्स में लिखते हैं, तो वो है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर, तो इसे हम फैक्टर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इन टू एक्स माइनस वाई, तो ये इसके फैक्टर्स में। अब हम एलसीएम लिख सकते हैं, तो एलसीएम इज इक्वल टू, वी हैव एलसीएम इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, तो नॉन कॉमन फैक्टर है एक्स माइनस वाई, तो HCF x साइज का HCF होता है LCM का। तो हमारे पास LCM आया x प्लस वाई इन टू एक्स माइनस वाई, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर, जैसा कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरीके से हमने LCM फाइंड किया, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम एक और पार्ट करते हैं इसका, तो पार्ट थ्री है हमारे पास इसका, उसमें तीन वैल्यूज गिवन है, तो है एक्स फाइव माइनस एक्स, एक्स फाइव माइनस एक्स स्क्वेयर और एक्स फाइव माइनस एक्स क्यूब। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले दो वैल्यूज का एलसीएम निकालते हैं, फिर उसके साथ उस कैल्शियम के साथ तीसरी वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे। तो फर्स्ट वी टेक एलसीएम एक्स फाइव माइनस एक्स और एक्स फाइव माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेते हैं, फिर उसके बाद इनके एलसीएम को तीसरी जो एक्सप्रेशन है उसके साथ एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास x 5 माइनस एक्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं x कॉमन लें तो x 4 माइनस 1, मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है तो x इन टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और x स्क्वेयर माइनस 1, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यूज़ किया है विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं, तो x हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन और x माइनस वन, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास है एक्स फाइव माइनस एक्स, उसका हम फैक्टर्स बनाते हैं, तो एक्स फाइव माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वन रह गया। अब एक्स क्यूब माइनस वन को मज़ीद फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। हमने यूज़ किया है फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल टू है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो अब हम फैक्टर्स एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम सिंस एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो हमारे पास हो जाएगा कॉमन फैक्टर देखें तो x यहां पर एक है और यहां पर दो हैं, तो अगर x x अलहदा करके लिखें तो एक x कॉमन है तो हो जाएगा x, और दूसरी जो चीज़ कॉमन है वो है x माइनस वन,
तो n2 हो गया x माइनस वन। अब जो चीज़ें कामन नहीं है वो लिखते हैं, तो यहाँ पर एक x कामन नहीं था, एक x आ गया, फिर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वन और x प्लस वन, ये चीज़ यहाँ पर कामन नहीं थी और यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। तो हमें एलसीएम मिला x स्क्वायर इंटू x की पावर 8 की, तो x स्क्वायर प्लस वन x माइनस वन x प्लस वन इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। अब ये हमारे पास इन दो वैल्यूज का, दो एक्सप्रेशन का एलसीएम है। अब इस एलसीएम को हम तीसरी एक्सप्रेशन के साथ लेंगे, तो थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है एक्स फाइव, एक्स फाइव माइनस एक्स क्यूब, तो इसे हम लिखते हैं फैक्टर्स में, तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसे हम मज़ीद फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं। अब हम इन फैक्टर्स को और एलसीएम के फैक्टर्स को देखेंगे, इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे, तो हमारे पास जो टोटल एलसीएम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू, अब इन दोनों में एक्स स्क्वायर कामन है तो एक एक्स स्क्वायर कामन है और एक एक्स जो है नॉट कामन है, नॉन कॉमन फैक्टर है, एक एक्स स्क्वायर लिया, अब यहाँ पर x प्लस वन और x माइनस वन कामन है तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये चीज़ें इन दोनों में कामन थी। अब जो चीज़ें कामन नहीं है वो है एक एक्स यहाँ पर एक इसका x अलहदा था और दो x दोनों में कामन थे, एक x नॉन कॉमन था तो वो x आ गया, और x स्क्वायर प्लस वन और x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो एलसीएम इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का एलसीएम है हमारा आंसर। तो इस तरीके से जब आपके पास दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो तो आप उनका एक साथ ही एलसीएम ले सकते हैं, या इस तरीके से पहले दो एक्सप्रेशन का एलसीएम लें फिर उसके एलसीएम को तीसरी एक्सप्रेशन के साथ एलसीएम लें, तो ये आपके लिए आसान रहेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन के बाकी दो पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं।